अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। आज जिस मेहमान से हम गपशप लगाएंगे वो है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के चेयरमैन। पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रांसपोर्टर्स को किस कदर मसला हो रहा है। इतनी पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस में कभी मुल्क की तारीख में इजाफा नहीं हुआ जितना कि अब हो चुका है। और नाज़रीन, आवाम का ये भी कहना है कि इमरान खान साहब और पीटीआई को नई टीम की ज़रूरत है, उन्हें दूसरी जमातों से आए हुए सियासतदान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही आवाम। तो क्या इमरान खान साहब को नई टीम की ज़रूरत है, और क्या है आज़म खान नियाज़ी जैसे जो शख्सियत हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो इलेक्शन में उम्मीदवार बनना चाहेंगे, इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, क्या पीटीआई को ज्वाइन करना चाहेंगे। अंदर जाते हैं और उनसे उनके ख्यालात और जज्बात जानते हैं पीटीआई के हवाले से, पेट्रोल की प्राइस जो बढ़ी है इस हवाले से, और मज़ीद बातचीत भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक चल रही है लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। इस कदर महंगाई में? महंगाई ने तो हमें वो अजीब सा कर दिया कि हमें तो हर चीज ही वैसे अपने ऐसे दूर लग रही है कि हम नहीं खरीद सकते। ट्रैवलिंग रह गई, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। मेरा हालांकि ट्रांसपोर्ट का कारोबार है, लोग घरों से निकलते ही नहीं है, आधी आधी गाड़ियां जा रही हैं, और फिर जब गाड़ी हो के वापस आती है अपने मंजिल मकसूद से तो फिर वो पैसे नहीं कमाती और हाथ से हमसे पैसे मांगती है वापस। तो इतने नुकसान हो रहे हैं और ऑयल मसनूआत महंगी होने की वजह से कितनी तबाही फैल गई है, बहुत कुछ बदल गया है। सर, बात करेंगे अवाम की। गरीब अवाम, एक दिहाड़ीदार इंसान 1400-1500 कमाता है और वो भी डेली बेसिस पे नहीं, 650 रुपए किलो घी कुकिंग ऑयल, कैसे सरवाइव करेगा, क्या कहेंगे? देखें, एक गरीब आदमी तो सरवाइव करना उसका मुश्किल है ना, वो तो कमा नहीं सकता, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन अब वो देखें कि वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने एक तंजीम इदारे को चलाना होता है, जिन्होंने एक कंपनी को चलाना है, उन लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल हैं। वो इतनी मुश्किलात कैसे हैं कि उन्होंने सारे लोगों को फीड करना है। अगर उनके 100 लोग हैं या 2000 हैं या 1000 लोग हैं तो उन सारों को फीड करना है, वो कहाँ से पैसा लाएगा? जबकि हर तरफ महंगाई होने की वजह से इनकम भी खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई, खराइज वहीं पे हैं, और मुलाजमों की खराइज जब बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ानी पड़ेंगी, ला मोहला आप बहुत मुश्किल में आएंगे। मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी को तो उसका खाना पूरा नहीं हो रहा। नाज़रीन, आज़म खान नियाज़ी साहब के साथ हम मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। सर, आप एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी रन कर रहे हैं, बात करेंगे पेट्रोल की प्राइस से। एकदम इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया पेट्रोल की प्राइस को, डीजल को उससे भी ज़्यादा, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ब्लैक वो कह लेंगे टाइम आ चुका है इस वक्त। इसमें इन लोगों ने, हम बड़े अरसों से कहते रहे कि भाई दुनिया के साथ आप डीजल और ये ऑयल मसनूआत को कैप कर दें, क्योंकि ये सारा सामान तकरीबन बाहर से आना होता है, तो बाहर जो रेट हो उसके मुताबिक अपनी आवाम को वो रेट दिया जाए। जब पीछे से महंगा होता है तो ये हमें महंगाई दे देते हैं, जब पीछे से सस्ता होता है तो ये सस्ता हमें नहीं करते। तो ये जो है ना, वो अंडर हैंड जो पैसा खा रहे हैं, ये सारा ब्लैक मनी के तौर पर फिर बाहर ले जाते हैं और अपने महल बना लेते हैं, और हम लोगों को गुरबत में छोड़ देते हैं। सारी आवाम पिस जाती है उनके वो पैसे उतारते हुए, फिर ये IMF से कर्जे लेने चले जाते हैं और फिर हमें तबाही की तरफ धकेल देते हैं, जो आज तक होता रहा। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिए, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको मईशत को संभाला कि हम लोगों को एक सुकून का सांस आया, सिस्टम चलने लगे, कंस्ट्रक्शन के कारोबार फलने फूलने लगे। हालांकि कोरोना का दिन थे जी। इन कोरोना के दिनों में फिर भी पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी और हम लोग तरक्की कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन का कारोबार बढ़े, प्रॉपर्टियों के कारोबार बढ़े, और जो हमारी ट्रांसपोर्ट के थे, आप देखें 4-6 साल पीछे चले जाएं, कुछ भी नहीं, पुरानी पुरानी बसों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, और इन 3-4 सालों में इतनी ग्रो की कि नई से नई आपको यूरोप के स्टैंडर्ड की, अमेरिकन स्टैंडर्ड की बसें आपको रोडों पर नज़र आती हैं। किस लिए? इसलिए कि हम लोग तरक्की कर रहे थे। अब आप देखिए कि जब हम ये महंगाई होगी, हमारी बसें हम नहीं चला सकेंगे, खड़ी हो जाएंगी, तो वो पुरानी बसों में लोग सफ़र करेंगे, और वो जो हम एक पाकिस्तानी होते प्राउड की तरफ जा रहे थे, वो चीज़ हमारी गुम हो जाएगी। नियाज़ी साहब, समझते हैं आपके जो नून लीग है वो तो कहती है कि जो नई बसेज आई हैं, बसेज में जद्दत जो आई है वो हमारी वजह से है, मेट्रो हम लेके आए, ऑरेंज लाइन हम लेके आए, इमरान खान की वजह से आई है। मैं बताता हूँ कैसे, लॉजिक है मेरे पास पूरी।
मैं इस ट्रांस में मुंसलिक हूँ और मैंने आपको बताऊँ कि सन 2004 में मैंने नई बसें लाहौर में 200 बसों का एग्रीमेंट किया और मैंने चलानी थी। जब मेरी 52 बसें आ गई तो मुझे प्रॉब्लम आई, इन काफ लीग का दौर था, प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद फिर नून लीग आ गई। बहरहाल ये चलाते रहे हम बसों को, लेकिन उसके बाद नून लीग आई और इमरान खान साहब ने पहला जलसा वहाँ पे किया मीनार पाकिस्तान पे, और एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मेरा एक दोस्त मौजूद था इसमें रेविंड महल में इनके, वहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि ये इतना बड़ा जलसा इसने कर लिया इमरान खान ने, अब क्या होगा। तो उसने कहा जी हम कुछ करते हैं जी, ये ट्रांसपोर्ट वालों को हम कुछ सब्सिडी दे के बसों को नए रंग रुंग करा के, तो इस तरह शहबाज ने कहा। तो मियाँ नवाज शरीफ का तारीखी बात थी वो, जो आज तक मुझे याद है, उन्होंने कहा कि छोड़ो ये पुरानी बसों को निकालो, नई बसें लाओ, चाइना जाओ, तुर्की जाओ, कुछ ले कर नया आओ और फिर इनको बताओ, ताकि ये ना हो कि ये बंदा आगे और मकबूल हो जाए और हमारी जो है हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अच्छा, खान साहब के जलसे ने नई बसें पाकिस्तान में ले। हाँ, ऐसा ये सच्चाई है। अच्छा, ये आप नवाज शरीफ को मेरे सामने बिठा लें, वो ये बात मानेगा। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने पुरानी वहाँ पे चाइना से अनकाई बसों का एग्रीमेंट किया। तो मेरा भाई जनरल सेक्रेटरी था, वो बोलता था, वो हालांकि नून के साथ मुंसलिक था, लेकिन वो बोलता था कि ये सब स्टैंडर्ड बसें अच्छी नहीं हैं, तो आप जो है ना इनको चेंज करें। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें बुलाया और उसे कहा, शट अप कॉल दी और उसे कहा कि बिल्कुल आपने टीवी पे नहीं आना और ना अखबारों में कोई चीज़ अपना वो देना। और उसके बाद उन्होंने उसे टिकट दिए और वो 5 लोगों की अपनी कंपनी से लेकर गया और वहाँ जा के उसने उन चाइना भेजा गया कि जाओ उन बसों को तुम सब स्टैंडर्ड कहते हो तो चेक करो, अगर सब स्टैंडर्ड है तो हम ठीक कराते हैं। वो गया और वहाँ जाके 15 दिन उसने वर्क किया फैक्ट्री में। 15 दिन वर्क करने के बाद जब वो पाकिस्तान वापस आया, अपनी रिपोर्ट उसने ख्वाजा एहसान साहब थे LTC के चेयरमैन थे उनको दी, उन्होंने वो रिपोर्ट देखी और उन्होंने फरमाया कि तुम्हें तो यार हमने चिल करने भेजा था, कहीं जाते इंजॉय करते, तुम क्या फैक्ट्री में बैठे रहे हो। और फिर उन्होंने बताया कि जिस रेट पर चाइना से वो बातें करते रहते भाई, कि जिस रेट पर ये बसें आई हैं हमसे और पैसा ना मांगो और ये चेंजिंग कर दो। तो उन्होंने कहा हाँ, आपकी गवर्नमेंट अगर हमसे कुछ बाजपुरस ना करे पैसों के मुतालिक तो हम उन्हीं पैसों में कर देंगे। वो किकबैक मांगते हैं ना ये लोग, तो किकबैक अगर नहीं मांगे तो हम कर देते हैं। इन्होंने आके वही रिपोर्ट सबमिट की कि ये चीज़ें बदल देंगी, इस तरह गाड़ियाँ ड्यूरेबल हो जाएंगी, ज़्यादा 20-30 साल चलेंगी और पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो इन्होंने वो ना किया, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मैं सच बता रहा हूँ, इसलिए कि आवाम को शायद पता ना हो, कई लोगों को पता भी है जो हमारे शोबे से मुंसलिक है, लेकिन आम आवाम तक ये बातें नहीं है। तो उस बंदे ने उन्होंने वो फाइल जो लाए थे ये शहबाज शरीफ साहब ने वो रख ली और कहा कि ठीक है हम देखते हैं, लेकिन वही सब स्टैंडर्ड बसें पाकिस्तान आई, इन्होंने किकबैक्स लिए और वो बसें 3 साल बाद रोडों पे खड़ी हो गई। और आप आज आप देखें अनकाई वाली वो जो न्यू बसें आई थी वो ख़त्म हो गई लाहौर से, दूसरे शहरों से भी ख़त्म हो गई, जहाँ जहाँ फैसलाबाद और इधर उधर उन्होंने चलाई थी। 4 साल के अंदर ही, 3 साल बाद ही। अच्छा, एग्जैक्ट 3 साल बाद नाजरीन। और ये वही शहबाज शरीफ साहब है जिनको रिपोर्ट दी गई, जो कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा लेकिन आवाम को जो है आटा दूंगा, और देखते हुए रिपोर्ट्स और काम आप इनके देखें जरा। और उसके बाद उन्होंने जब ये बसें लाए थे तो उन्होंने जो बसें चल रही थी, 800-900 बस लाहौर में चल रही थी सिर्फ, दूसरे शहरों में भी थी, तो उनको रिप्लेस करने के लिए ये वाले अनकाई चलाने के लिए हम लोगों की बसें नई अच्छी भली बसें थी, उन बसों को, एक बस की उम्र कितनी होती है ये बताऊँ, 20-25 साल एक बस की उम्र होती है, क्योंकि ये बॉडी रीफेब्रिकेट हो सकती है या सीटें वगैरह सेट हो सकती हैं, तो ये चलती रहती है। तो इन्होंने हमारी तो 2004 में आई और 2010 में इन्होंने वो बंद कर दी और हमें फिर वो बेचनी पड़ी होने पौने, और बेच के तो हमने जान छुड़ाई। इसी तरह दूसरे ट्रांसपोर्टरों के साथ भी हो, जिस किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बात करें वो सारी कंपनियां आपको बताएंगी अपना दुख के उनके साथ क्या हुआ था। तो इन्होंने वो फिर इसके बाद फिर जब अनकाई वाली रुक गई तो इन्होंने और बसें लानी शुरू की, वो भी चाइना मेड थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता अब देखें आप ये फीडर सर्विस और ये वो चल रही हैं। अपने पास हम लोगों को सब्सिडी नहीं देते थे, इन लोगों को वो सब्सिडी भी पे कर रहे हैं। अब हमारा खून पसीना की कमाई जो आवाम की है वो सारी बिलों में इधर उधर से काट के वो उधर पे कर रहे हैं
और वो बसें चलवा रहे हैं सिर्फ अपनी नेक नीति के लिए कि जी हमने बड़ा अच्छा काम किया, अपनी नेक नामी के लिए ये कह लें। लेकिन अब आगे मसला जो आ रहा है वो और ख़तरनाक है कि ये बसें भी आहिस्ता आहिस्ता खड़ी होने की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये वो बसें नहीं है। देखिए जापान का मुकाबला चाइना भी नहीं कर पा रहा, तो या तो कोई अच्छी बसें मंगाते और फिर वो वाली जापानी गाड़ियाँ होती हैं या कोई अच्छी होती हैं तो फिर शायद चलती, या यहाँ की मेक होती जैसे हीनो बनती है यहाँ पे या दूसरी कंपनियाँ बनती हैं तो उनकी लेते तो वो ड्यूरेबल होती। तो ये गाड़ियाँ ड्यूरेबल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म है, 4 साल 5 साल और ख़त्म। तो इन्होंने शोबाजी के लिए शोबाज ने शोबाजियाँ की, तो फिर ये अपने दौरे हुकूमत में डराते पड़े थे। अब मैं आपको बताऊँ जो मेरे साथ हुआ, मैं बोलता था इन बातों पर, तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चाइना गया हुआ था अपनी एक बसें लेने के चक्कर में, हम एक फैक्ट्री में गया हुए थे, तो चाइना में 15 दिन वहाँ था और पीछे मेरे ऊपर 780 के पर्चे किए गए। तो मैंने वहाँ से, मुझे फ़ोन आया जब लाहौर से, तो मैंने उन्हें कहा कि जाके तो उनको बताओ कि वो तो पाकिस्तान नहीं है, गलत पर्चे क्यों कर रहे हो। तो पुलिस वालों ने उसको पेंडिंग में रखा। जब मैं वापस आया, मैं थाने में उनके रब्ता किया, मैंने कहा भाई ये मैं नहीं हूँ यहाँ पे, आप लोग, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरे टिकट्स हैं, चेक करो, वीज़े शीज़े सारी चीज़ चेक कर लो। उन्होंने चेक की और उसके बाद फिर पेंडिंग, फिर उसके बाद फिर भी ख़त्म नहीं किए, पेंडिंग पे डाल दिया और मैं अपना जमानत अदालत से करा के तो मैं मूव कर रहा था। फिर मेरा केस चला गया CIA, बदनाम जमाना एक अफसर हैं उमर विर्क साहब जो नून लीग के चहेते थे, उमर विर्क साहब के पास वो मेरा केस बोला कि वहाँ से बुलाया गया मुझे। तो मैं गया तो उन्होंने कहा जी तुमने ये किया है अपना, रोडों पे इतना ज्यादती की है, फायरिंग की। मैंने कहा जनाब मैं तो चाइना था, मैं था ही नहीं यहाँ पे, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा अच्छा तो यार तुम अपने मामले सीधे कर लो। मैं कहा जी मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा जी जनाब आप ऐसा करें कि आप हमजा साहब से मिल लें या आप जाके नवाज शरीफ साहब से, अपना शहबाज शरीफ साहब से मिल लें तो मामला अपने ठीक करें, वरना मुश्किल है आपके लिए। अच्छा ये शुरू से होता आ रहा है, देख लें जो होता रहा, आगे मेरी स्टोरी पूरी सुन लीजिए ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। जब मैं बाहर निकला विर्क साहब से, तो मैंने एक जहन में सोचा कि आगे इलेक्शन में कितना टाइम है, 8 महीने बाकी रह गए थे टाइम के। मैंने अपने वकला बुलाए, मैंने उन्हें कहा यार बात सुनो, मुझे ये थानों में बुलाते हैं, मुझे ये अदालतों में बुलाते हैं तारीखों पर, तो मुझे किसी तरह मैनेज करो, मुझे इन जगहों पे ना जाना पड़े और मेरे केस को मैनेज करके रखो। तो वकला ने कहा यह तो इम्कान हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब डेट लेनी होती है अदालत से वहाँ जाना होगा। मैंने कहा जैसे करना है आप मैनेज कर लो। तो उन्होंने कोशिश की, ज़्यादा तकलीफ फिर मुझे ना हुई। लेकिन उसके बाद छोटे छोटे कोई मसला, किसी मुलाजम का झगड़ा, किसी बस का लग जाना, वो पर्चे भी CIMA उमर विर्क साहब के पास आने लगे। कहीं से उठ के वहाँ पर्चा आता था कि जी जो इसको किसी तरह फंसा लो। खैर मैं ना गया इनके पास, मैंने कहा इलेक्शन होगा बाद में देखेंगे क्या करना है। इलेक्शन हुआ, खान साहब की गवर्नमेंट आ गई। अच्छा, टोटल 18 दिन बाद पुलिस वाला मुतलका थाने वाला CA से केस वापस बांध मुतलका थाने आ गया, मिलत पार्क थाने वाला था वो। इंस्पेक्टर मेरे पास आया, उसने कहा खान साहब कुछ ये आपसे तहरीर करवानी है और साइन करके मुझे दे। मैंने किस लिए, कहता है जी आपकी खराज रिपोर्ट बनानी है, आप तो बाहर गए हुए थे तो हम आपको जरा क्लियर कर दें। और ये कितना अरसे बाद खारिज किया पर्चा? साल डेढ़ साल समझ लें इस बात को, हो गया दलील मुझे होते हुए। हाँ ये सारा ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। उसके बाद इन्होंने मुझे वहाँ से, अच्छा मैंने उसे कहा तुम खुद ही लिख लो मैं साइन कर दूंगा। उसने लिखा और मैंने पढ़ा और मैंने उसे साइन कर दिया, वो खराज रिपोर्ट थी। तो बना के वो फिर हफ्ते बाद दे गया जी आप फारे गए जी आप पर्चों से। तो ये मेरे लिए एक तकलीफ दे टाइम था जो मैंने गुजारा था। इसके बाद आगे चलते रहे और दुनिया गुजर रही है, लेकिन जो इस वक्त ऑयल की मसनूआत का मामला आ रहा है, देखें कितनी मुश्किल में हम लोग आ गए हैं। exactly, सर, इमरान गवर्नमेंट में भी महंगाई की वजह से हटाया गया, उस गवर्नमेंट को रजीम चेंज किया गया, पूरी दुनिया को साथ मिलाया गया। मैं तो शुक्र गुजार हूँ इमरान का कि इमरान खान ने हम लोगों की आंखों से वो पर्दा हटा दिया जो हम समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस की लड़ाई है, हमें क्या इससे, वो बात से हम बाहर निकल आए हैं। अब हमें पता चल चुका है कि हम लोगों को लूटने के लिए सियासतदान इस
चक्कर में पड़े रहते हैं, हमारा पैसा लूट के ये खुद अमीर हो जाते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल संवारते हैं, और ये हम लोगों की नहीं सोचते, ये अपनी सोचते हैं। और फिर ये तरक्याती काम जी, मैंने रोडें बनाई, मैंने मोटरवे बनाई, मैंने फलां किया, मैंने सड़क बनाई, ये सारी चीज़ें जो हैं आवाम की सहूलत के लिए हैं, आवाम के पैसे से बनती हैं, और आवाम को इससे फ़ायदा आवाम को ख़ुद से लेना होता है। इदारे मौजूद हैं इसके लिए, CNW है, टीपा है, दूसरे कई इदारे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं, ये सारे इन चीज़ों को देखते हैं, किस जगह रश है पुल बनना चाहिए, किस जगह पे सड़क तंग है तो खुली सड़क होनी चाहिए, कहाँ दो रवैया होनी चाहिए, कहाँ पे बड़े मोटरवे बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं, इन इदारों के अंडर आती हैं। लेकिन हमारे वज़रा साहबान और ये वज़ीर-आला साहबान ये क्या कहते हैं, ये फरमाते हैं मैंने वो रोड दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन्होंने कुछ नहीं किया होता, ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए किक बैक्स के लिए बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, और उनसे पैसा आधा ठेकेदार साहबान को जाता है और आधा ये जेबों में लेकर अपने नहीं, ये सिरे महल और ये सारे वो जो दुनिया में बन रहे हैं इनके लंदन में फ्लैट्स हैं, और इन ये तो फ्लैट्स तो थोड़ी सी चीज़ें, कितने 300-350 इनका फ्लैट्स हैं अलहदा से, जो जिनके रेंट आते हैं हमाना इनको, ये बहुत बड़ा बिजनेस है इनके, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां बाय लगे इंडिया में तक में, फायदा देखा जाता है। इंडिया हमारा दुश्मन है, देखें जी दूर ना जाए, इंडिया दुश्मन है, इंडिया की गोदी में जाके 100 दफा बैठे हैं, उसको यहाँ बुलाते रहे अपनी शादियों में, इन्होंने दोस्तियां पालनी शुरू की, वो हमारे बंदे मार रहे हैं, हमारे फौजी मार रहे हैं, हमारे बहन भाई मार रहे हैं, और वो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं, तो ये लोग इंतहाई जालिम लोग थे। बेसिक एथिक्स जो हैं वो भी नाज़रीन फॉलो नहीं किए जा रहे। अगर हम बात करें पेट्रोल की प्राइस की, तो 11 रुपए बढ़ा और बिलावल भुट्टो साहब पहुंच गए मुल्तान से मार्च लेके इस्लामाबाद। इसी तरह बाकी जमातों ने भी PDM जो बनी, इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई। सर 40,000 रुपए से कम जो लोग हैं उनको 2,000 रुपए पूरे दिए जाएंगे एज अ सब्सिडी, ताकि वो पेट्रोल जो है वो डलवा सके। अच्छा, अब 2,000 रिलीफ दिया गया है और आवाम को बताया ये गया है कि आपने इसमें टिकट खरीद सकते हैं, पेट्रोल खरीद सकते हैं, बच्चों का जो फीस वगैरह है वो दे सकते हैं, इसमें अय्याशी नहीं करनी। आप मुझे ये बताएं 2,000 रुपए शर्मिंदगी होनी चाहिए, 2,000 में क्या अय्याशी हो सकती है आज? देखिए ये एक बस बातें होती हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वही बात है कि ये अपनी वो शोबाजियां दिखाने के लिए सारे स्टाइल किए गए। पहले पंजाब में शोबाजियां थी, अब मरकज से शोबाजियां शुरू हो गई हैं। 2,000 रुपये में तो एक टाइम का खाना नहीं बनता, तो ये ऐसी जलालत वाली बातें हैं, ये गलत बातें हैं। इन्हें चाहिए 50,000 रुपया या 1-1 लाख रुपये फी खानदान दें, लोगों के घरों में आसूदगी है, रौनक लगे, लोग इज्जत से खाना खाना चाहें, कपड़ा पहन सकें। नहीं कर सकता कोई आज 1 लाख रुपया पे हो ना किसी बंदे की तो वो गुजारा करेगा। चलो कम से कम पे हो तो 50,000 कम अज़ कम होनी चाहिए, मजदूर की पे होनी चाहिए। तो मैंने अपने लोगों की बढ़ाई हैं, हम काम कर रहे हैं, हालांकि हम मुश्किल में हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहें हमने बढ़ाई हैं, जो 40 ले रहे थे उसके 50 किए, जो 30 ले रहे थे उसकी 40 कर दिए, ताकि ये लोग मैनेज कर जाएं। सर इसी हवाले से बात करेंगे। अच्छा, ऑयल मसनूआत की बात आपने की थी, ऑयल मसनूआत क्या है? जब भी आप ये की है उसकी महंगाई की, जब भी आप ऑयल मसनूआत को उठाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल हर चीज़ महंगी हो जाएगी, बल्कि आपकी ट्रैवलिंग से लेकर आपके खाने पीने तक, क्योंकि हर चीज़ ट्रैवलिंग के साथ मुंसलिक है। Exactly. लोगों ने भी ट्रैवल करना है, सामान ने भी ट्रैवल करना है, हमारी सब्जी ने भी और गोश्त ने भी और जानवरों ने भी ट्रैवल करना है। तो जब ट्रैवलिंग महंगी होती है तो ला मोहला हर चीज़ को महंगा कर देते हैं। तो ये एक की है महंगाई करने की, हालांकि हम कहते हैं कैप करो इसको। एग्जैक्टली सर, ये तो की हो गई महंगाई की। मुझे ये बताएं कि नून लीग ये कहती है कि हमारा कोई कसूर नहीं है महंगाई में, जो IMF के साथ इमरान खान साहब ने मुआहदे कर दिए, इसलिए हमें मजबूरन जो है मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब का कहना है कि नहीं, मैंने तो 150 के ऊपर रखा हुआ था पेट्रोल और मैंने आवाम को रिलीफ भी दिया। किसकी वजह से पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है? दरअसल चक्कर ये है कि इमरान गवर्नमेंट के अंदर एक एहसास था महंगाई पीछे से, महंगा ऑयल आ रहा है, ये सब्सिडी अपनी बना के अवाम को थोड़ा थोड़ा इतना कर रहे थे कि अवाम के अंदर सांस बाकी रहे, अवाम चलती रहे और अवाम मुश्किल में ना पड़े। तो इस एहसास के साथ खान साहब ने रेट्स को नहीं बढ़ने दिया, कम बढ़ाया, 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, इस तरह करके। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आते साथ ही महंगाई का वो तूफान लाए हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो महंगाई मार्च के जरिए आके और महंगाई का इस कदर बुरा हाल। हाँ, आए महंगाई
महंगाई का रोना रो के तो ये लोग आए यहाँ बैठे। ये तो एक देखें, अमेरिका पीछे खड़ा था, हमारी अफवाज पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रही थी, और इन चोरों सारों को इकट्ठा करके मैं तो कहता हूँ इमरान खान एक अलत का वली है, जिसने सामने कर दिखाया कि ये लो चोर हैं, और एक बंदा एक साइड पे खड़ा था, कोई साथी कोई जमात उसकी साथी नहीं थी, और डट के खड़ा था क्योंकि सच पे था। लोगों ने इसे मारने की धमकियां देना शुरू कर दी। जब ये बातें आई तो यकीन करें मैं एक आम इंसान था, मैं सियासतदान नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक आग भड़क उठी और मैं निकला। फिर मैं हर जलसे में खान साहब की सेफ्टी के नज़रिए से गया, चेकिंग करना, देखना, और पूरा तरीके से मैं वहाँ वर्किंग करता रहा। और इससे मुझे एक तस्कीन ये होती थी कि खान को कुछ ना हो, हमें कुछ होता तो हो जाए, तो हम इसलिए जाते थे। मुश्किलात भी आई लेकिन हम सारा काम हमने किया। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, इलेक्शन भी करेंगे हम। अगर घरों में सोए रहे, मैं बताऊं हर घर में एक लीडर मौजूद है, हर दिल हर नफ्स के अंदर एक लीडर मौजूद है। लीडर क्यों मौजूद है कि वो जब उसको एहसास होगा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है तो वो उसको बोलेगा। जैसे एक शेर है वो कहता है कि जुल्म के आगे जो आवाज़ ना उठाए उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है, इस तरह का शेर है। और मुनाफिकीन अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा शख्सियत है, मुनाफिक नहीं इंसान को होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि रशिया से पेट्रोल का बड़ा आजकल टीवी पे भी चल रहा है, आवाम का भी ये कहना है, उनका कहना है कि रशिया से पेट्रोल अगर सस्ता मिल रहा था, 30% कम पे मिल रहा था, तो क्यों नहीं लिया? क्या रशिया तैयार था हमें पेट्रोल देने के लिए? और अगर तैयार था तो अब क्यों नहीं मिल रहा, देखिए क्यों नहीं लिया जा रहा? देखिए हमारे पीछे जो है रूल कर रहा है अमेरिका, हम आजाद कौम के तौर पर नहीं रह गए। इन लोगों ने जब हमारा बादशाह जिसको कह लें ना वज़ीर आज़म, जब वज़ीर आज़म और ये हमारे लोग सारे नीचे झुक गए उनके आगे, तो उनका हुक्म चलना है। फिर वो ब्लॉक, रशिया ब्लॉक दूसरा है और अमेरिकन ब्लॉक दूसरा है, ये यूरोप वगैरह हो गया, तो उन लोगों की मर्ज़ी है कि उनसे माल खरीदा जाए, वो नहीं चाहते कि किसी और से माल खरीदे। भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जहाँ से सस्ती चीज़ मिलेगी वहाँ से लेंगे, कौन हमें रोक सकता है? लेकिन ये इमरान खान साहब कर सकते थे ना इस तरह की बात, ये लोग नहीं कर सकते, ये गुलाम है, ये बेगर हैं। इमरान खान साहब ने यही कहा कि हम जहां से चाहेंगे वहां से लेंगे, जिस मुल्क में जाना चाहेंगे, हम आजाद मुल्क है, हम वहां पे जाएंगे। तो क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है वो खुद नहीं ले रही क्योंकि प्रेशर है ऊपर से? प्रेशर है, उनको मना किया गया है कि इस जैसे गली गली का गुंडा और कह के इस दुकान को नहीं चलने दूंगा, ये बंद रहेगी। ये तो वो लोग हैं, उसने दुकान बंद कराई हुई है कि किसी और से ना लो, इधर से माल लेना है तुमने, तो ये सिनेरियो इस तरह का है। सर अगर बात करें एज अ पाकिस्तानी बात करें, किसी पार्टी से मुंसलिक ना हो, तो जिस तरीके से जाके शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आप 70 साल से हमारी मदद कर रहे हैं, देखें बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, हमारी मदद करें, शर्मिंदगी होती है एज अ पाकिस्तानी कि हमारे लीडर क्या कर रहे हैं, हम कोई फकीर है, किस तरीके से मांगा जा रहा है? देखें बिजनेस करना चाहिए, आप देखें आप एक खानदान में रहते हो, हर कोई एक खानदान में रहते हैं, घर का जो बड़ा होता है वो एक ट्री की शक्ल रखता है, वो ऊपर जो बैठा है उसको सारे उनके देखभाल करनी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करना है। तो जब वो जाके ऊपर वाला जाके मांगना बेगर बनेगा, लोगों से मांगेगा, तो इस मीन के वो सारे घर वाले मांगने वाले हो गए। तो हमारे मुल्क के ऊपर बैठा हुआ भी इसी तरह हमारे घर का सरबराह है, सरबराह जब मांगने की शक्ल में जाएगा, भाई तेरे पास इतनी जायदादें हैं उनको ले आना, सामान इधर डाल, वो सारी जो छुपा के बैठे हुए हैं लाएं, और इधर अवाम के ऊपर दरदारी भी लाए, अवाम को दे, ये हमारे सारे कर्जे भी उतर जाए, हम खुद मुख्तार हो जाएं। लेकिन इन्होंने छुपा के रखना है, इन्होंने हमें देना नहीं है, हमारे ऊपर वारना नहीं, इन्होंने और खसोटने लूटने खसूटने के लिए आए हुए हैं। सर बात करें अगर हम फॉरेन पॉलिसीज़ की, आपने एक बेसिक फ़र्क देखा होगा, जब इमरान खान साहब जाते थे दूसरे ममालिक के दौरे करते थे तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता था, बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया जाता था, सल्यूट जो है वो भी मारे जाते थे, हाथ मिलाया जाता था, मुसाफा किया जाता था। लेकिन अब की जो मौजूदा हुकूमत है इनको कोई रिसीव करने भी नहीं आता, अगर किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर होता है तो लेक्चर अटेंड करने से इनकार कर दिया जाता है, क्या वजह है, क्या समझते हैं? देखिए दुनिया में एक बड़ी सादा सी बात है, आप समझें इसको, जो सीधे राह रास्ते पे होगा, सीधे रास्ते पे होगा, अल्लाह ताला की ताकतें उसके साथ होंगी, जो लोगों की भलाइयां मांगेगा फलाहें उसके साथ चल पड़ती हैं, और फिर इज्जतें खुद ही अल्लाह ताला उनकी बढ़ा देते हैं। ये जो लोग डिपेंड करते हैं लोगों पर, तो इनकी इज्जतें फिर खाक में मिलती हैं, और आप देखें मिल रही हैं, दिन ब दिन इनका ग्राफ नीचे जा रहा है,
पीटीआई का या इमरान खान साहब का किरदार ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है कि उनके अंदर एक किरदार है, वो उस किरदार के साथ जब कहीं जाते हैं तो उस किरदार को सल्यूट किए जाते हैं। इनको इसलिए निगलेक्ट किया जाता है या इन्हें पीछे हटाया जाता है कि ये तो यार मांगने आए हैं, बेगर हैं, ये तो इनकी तो सोच ही ऐसी, और ये रजीम चेंज से बने हैं, ये धोखेबाज हैं, अपने मुल्क के साथ जो गद्दार है वो किसी के साथ क्या वफा करेगा। तो आप नॉर्मल सी बात देख रहे हैं, कोई बंदा आपको गलत और गुनहगार या गद्दार टाइप का नजर आता है तो आप उसे दूर हटते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस बंदे को मिलते नहीं है, वो जिस रास्ते पे जा रहा है दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, हम भी बदनाम हो जाएंगे। और इस तरीके क्या जरूरत है ऐसे लोगों से आपको रिलेशन रखने की। तो ये बात है, वो लोग भी इनको मुस्तहकम नहीं गिनते, इनको वो नहीं गिनते कि ये आगे भी आएंगे, नेक्स्ट इलेक्शन के बाद भी आएंगे। गरीब मुल्क होना या अमीर मुल्क होना एक अलग बात है, लेकिन खुददारी और इज्जत नफ्स होना जो है वो बेहद जरूरी है। अवाम को बेहद शऊर दिया, बहुत मकबूल है इमरान खान साहब, लेकिन उन पर दर्जन भर मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए, और कबल इस गिरफ्तारी जमानत में इमरान खान साहब, अगर खुदा ना ख्वास्ता उनको गिरफ्तार किया जाता है तो आपका रद्द अमल क्या होगा सर? उनके ऊपर पर्चे हुए, FIRें हुई, ये लाहौर में भी काफ़ी लोगों के जो थे उजरा हमारे और MLA उन पे हुए। मैं तो PTI में इतना वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ऊपर भी हो गए, तो हमने जाके जमानतें कराई, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने भी जमानतें जिसे मैं करवा रहा था वो लोग भी वहाँ मौजूद थे, करवा रहे थे सारे, और लोग पिक्चरें बना रहे थे उस वक्त। तो ये है कि आज हम जमानतों पर फिर रहे हैं, हम मुलजम हैं, मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। तो मुलजिम किसने बनाया? शोबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, कि इनको किसी तरह से दबाओ, इनको प्रेशर में लाओ ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सकें और हमारे खिलाफ एहतजाज ना कर सकें। और मैं कहता हूँ कि एहतजाज जो नहीं करेगा इस वक्त वो जुल्म सहेगा, तो वो अपने ऊपर जुल्म करेगा, वो अपनी नस्लों के लिए जुल्म करेगा, नस्लों के साथ जुल्म कर जाएगा। सर सिचुएशन में आपको देनी, खुदा ना ख्वास्ता अगर उनको इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है तो आपका पर्सनली रद्दे अमल क्या होगा, आप क्या करेंगे, किस तरीके से गुस्से का इजहार? देखिए एक आसान सी बात है कि मुझे अगर तकलीफ होगी तो मेरे लवाहिकीन को तकलीफ होगी। इमरान खान हमारा लीडर्स हैं, उन लीडर के पीछे हम जान देने पर जाने को तैयार हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान साहब हुक्म करें, हम डंडा वर्सेस डंडा, डंडे लेकर निकलेंगे, हेलमेट पहन के निकलेंगे, देखेंगे कौन आगा, पूरा मुकाबला कर सकते हैं, रियासत के अंदर रियासत खड़ी कर सकते हैं सिर्फ जुल्म के खिलाफ। तो हमारे अंदर इतने जज्बात हैं, यूसी की सतह से 10-10 लड़के मैं ले लूं और मैं पूरे पंजाब से 40,000 की वो फोर्स बना लूँगा, कोई पुलिस आगे खड़ी नहीं होगी, वो जो है आपका वज़ीर आला हुक्म करेगा रोको इनको, IG कहेगा जनाब माई बाप मुझे माफ़ करो, अवाम के साथ मैं नहीं लड़ सकता, वो भी मेरे बराबर डंडे लेकर आ रहे हैं। अगर डंडों के बाद इन्होंने कहा जी कि हम असला लेकर आ रहे हैं, उनके पास असला हम पर चलाएंगे, तो हम इनके आंसू गैस इनको वापस फेंकेंगे, और अगर असला चलाएंगे तो एक बार ही होगा, अगली दफ़ा इनके घरों में हम घुस जाएंगे। बात करेंगे सर पंजाब के हवाले से, उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस के हवाले से। कुछ लोगों का ये कहना है कि उस्मान बुज़दार साहब ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई या फिर उनको दिखानी आई नहीं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ बड़ा सादे सी बात है ये, देखे एक बुज़दार साहब शरीफुल नफ्स इंसान थे, उन्होंने अच्छे तरीके से अपने परफॉर्म किया काम को, उन्होंने शोबाजियाँ नहीं की, ये उन्होंने नहीं किया कि बारिश आ गई तो खुद वो लंबे बूट पहन के तो शोबाजी करने चल पड़े जी मैं बड़ा काम करने वाला हूँ। भाई तुम्हारा ऑर्डर चलना चाहिए, एक सतह होती है ना, एक बंदा होता है वर्कर जिसको जाके काम करना है, एक होते हैं ऑर्डर करने वाला जिसको ऊपर से बैठ के सारों को ऑर्डर पर चलाना होता है। तो ऑर्डर करने वाला जब शोबाजियों पर आता है तो वो खुद आ जाता है उसमें, 15 मिनट घंटे के लिए तमाशा किया, फ़ोटो बनवाए, और उसके बाद अब ये थैले देते थे, अब पिछले कुछ अरसों से देखे ना गरीब लोगों को आटे का थैला जी वज़ीर आला साहब दे रहे हैं, बहुत शेम यार, कि ऐसा महसूस होता था कि हम लोग सोचते हैं कि ऐसा करते हुए हमें शर्म आए, हम अगर किसी को देना चाहते हैं तो आम इंसान है, हम कहते हैं यार वो ये लिस्ट है इनको पहुंचा दो, एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले, पता भी ना चले, और दूसरी बात कि इज्जत नफ्स को ना ठेस पहुंचे। तो इस तरह से बंदे को चलना चाहिए, तो इन लोगों की शोबाजियों की वजह से ये सारा चलता रहा। उस्मान बुज़दार ने जो वर्क किए मैं बताऊं, कई पुल भी बने, कई सड़कें बनी हैं, कई कुछ नया बना है और तरक्की हुई है, बड़ी स्मूथली काम चलता रहा है, शोबाजियाँ नहीं हुई हैं।
अब रूरल एरियाज में जो शोबाज साहब क्या करते थे, सिर्फ सारे एरियाज जो है ना, गांव और ये छोटे शहर, इन मुसाफात सारों को छोड़ दिया था इन्होंने, सिर्फ लाहौर पर पैसा लगा रहे थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर गांव में टूटी हुई रोडों को पक्का किया है, बेहतरीन कैट आइज लगी हुई हैं। आप जाएँ रात के टाइम भी गांव में सफ़र करने का मज़ा आता है कि छोटी रोड है लेकिन कैट आइज लगी होती है, जगमग जगमग कर रही होती है और खूबसूरत रोड्स बने हुए हैं। तो मेरा इसका, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग मेरी ज़्यादा है, मुझे तजर्बा हो रहा है कि कितना फ़र्क पड़ा इससे। गांव की सतह तक उन्होंने जाके सहूलतें दी, और कॉम्पिटेंट थे लेकिन शोबाज नहीं थे, शोबाज नहीं थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। क्या समझते शोबाजी की जरूरत है वजीर आला पंजाब अगर और, कोई बनता है उनको कुछ शो और एक करना चाहिए। एक और बात बताऊं, इतनी डकैतियां, इतनी चोरियां, इतनी कत्ल वगारत गरी इस दौर में नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पूरा वर्क कर रहे थे और उस पूरी रिपोर्ट के बाद जो चीज हटानी है तो उसको हटाया, नया लगाया बंदा, और काम पे जोर था, ये नहीं कि शोबाजी पे जोर था। और इतने कमर्शियल्स भी नहीं चलाए गए जिस तरीके से अखबारात में कमर्शियल दिए जाते हैं, बहुत सा पैसा, वो सारा शोबाज होता है, शो मारने के लिए सारे आप काम करते जाओ, क्योंकि आपको शो दिखाने लोग समझते हैं कि जो दिखेगा वो बिकेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो शो मारता है उसको समझना है हमने, हम जब चीजों को समझेंगे, अपने दिमाग से काम लेंगे तो ठीक। और मुझे लगता है कि अवाम में इस कदर शऊर अब आ चुका है, उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, बहुत ज्यादा शऊर फैला है। मुझे ये बताएं सर कि पीटीआई से अफिलिएशन कब से है? पीटीआई से जी मैं तब जुड़ा जब एक दौर था, हम बड़े बच्चे थे उस वक्त, यंग थे, जब खान साहब ने अप्लाई किया था कि जी मोबाइल पे मैसेज भेजें, तो मैंने तब से उसमें मैसेज भेजा और अपना नाम इंडोज किया था। तो उसके बाद 97 में इमरान खान साहब ने इलेक्शन किया था ग्वाल मंडी से नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेशन की थी, एक बहुत बड़ा जलसा दिया था, और उसमें वो रमज़ान के दिन थे और इफ्तारियां देनी होती थी और लोगों को इकट्ठा करना बुलाना, और बड़ी सारी उस जंग उम्र में मैंने इतने सारा काम किया। कितने लोगों को जलसा आपने अरेंज किया था? जलसा अरेंज किया, और ग्वाल मंडी के एरिया में जलसा अरेंज करना एक बड़ा मुश्किल काम था नवाज शरीफ के मुकाबले में। वो अपना घर समझते थे, उसके उनके घर में जाके ये काम करना जैसे कह लें कि वो शेर की मुंह में हाथ डालने वाली बात थी। वाकई तो हमने वो कर दिखाया, क्योंकि हमें डर किसी का नहीं था, स्टूडेंट थे, यंग थे, जवान थे, हर काम करने पर तैयार थे, क्या हो जाएगा देखी जाएगी, और हमने किया। हमें थ्रेड वगैरह आया पुलिस की तरफ से, हमने कहा हमें छेड़ोगे लड़ेंगे, आप ना हमें छेड़ो, हम कोई क्या कर रहे हैं, कि यहाँ कोई नाजायज असला फिर रहा है, क्या हो रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा से एक वो हो रहा है, तो आप ना आना इधर। तो अल्लाह का शुक्र है इज्जत रहेगी, वो लोग नहीं आए। हमने वो दिया, खान साहब को याद होगा वहाँ पे उन्होंने एक साथ ही एक बीमार था, वो भी पीटीआई का जाला था, उसकी मिजाज पुरसी भी की थी, और फिर बाहर इफ्तारी वगैरह करा के हमने ख़त्म किया था मसला। अच्छा, तो उस वक्त से जुड़े, उसके बाद सपोर्ट करते रहे, लेकिन ऑन प्रॉपर सियासतदान के तौर पर हम आगे ना आए। जहाँ कहीं कोई चीज़ चाहिए हमने पैसे भी लगाए, गाड़ियाँ भी लगाई, बल्कि इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट आई थी तो मैंने फ्री बसें चलाई थी मियांवाली से, और ये अखबारात में भी आता रहा, टीवी में भी चलता रहा कि फ्री बसें चलाई गई हैं इमरान खान से। और मुझे एक प्राउड सा फील हो रहा था कि मेरी तरफ से एक बात जाए कि जी मैंने इतना खुश हूँ, और हमने देगे वगैरह हम बांटी थी और बड़ी खुशी का इजहार किया था। तो ये एक रास्ता था। अब जब रजीम चेंज आया, यकीन करें कि इस अरसे में मैंने ये देखा कि कैसा हो गया ये माहौल, कि हमारे ऊपर वो चोर उचक्के आज तक रहे हैं जिन्होंने हमारे ऊपर आंखों पट्टी बांधी हुई थी। आज इमरान खान साहब ने के साथ उन्होंने ज्यादती की, लेकिन अल्लाह ताला का भी एक कानून है, उनकी भी एक नज़र है उस सारे सिस्टम पर, तो अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। वो लाठी अब ये सारे जो पीडीएम वाले थे इन पर पड़ चुकी है, ये सारे अपने घरों में इज्जत से रहने के काबिल नहीं रहे, हल्कों में जाने के काबिल नहीं रहे, आवाम की बहुत। और तो देखे ना, जो लोटे बने थे इनके साथ पीटीआई वाले लड़के, वो एमएनए एमपीएस, वो अपने घरों में जाने की पोजीशन में नहीं है, बेइज्जत हो रहे हैं, लोग लोटे दिखाते हैं दूर से उनको, तो वो खुद कई दोस्तों के वाकिफ हैं, तो वो बताते हैं कितनी शर्मिंदगी में ये लोग जी रहे हैं। तो मैंने सोचा एक शख्स जिसने अपनी पार्टी तब्दील कर दी उसको कुछ शर्मिंदगी होती होगी। शर्मिंदगी होनी चाहिए, इंसान है, इंसान गलत करता है तो शर्मिंदगी की बात तो अपने अंदर ज़मीर तो होता है ना, वो जज जो आपके अंदर है वो आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये लोगों ने जब इस तरह किया तो मैंने कहा मैं अब इन लोटों के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। मैं इसके लिए मैंने अप्लाई किया 168, सबसे मैंने देखा कौन
एमपीए जो है ज्यादा ताकतवर है, जो लौटा गया है, जो ताकतवर लौटा था लाहौर में, एक असद नाम का, असद खोखर। तो मैंने कहा मैं इसका मुकाबला करूंगा, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, लाहौर से रिकमेंड होके गया, खान साहब के पास भी इंटरव्यू हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक और बंदे को दिया। अब उस बंदे को हम सपोर्ट करें क्योंकि हमारी एक तंजीम है, इस तंजीम को हमने आगे लेके चलना है, तो मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे ताकि हमारा पीटीआई का बंदा जीते। लेकिन सर आवाम का भी यही कहना है कि आवाम चाहती है कि जो जो भी लोग दूसरी गवर्नमेंट से इधर आए हैं वो वहाँ पे करप्शन करते थे तो यहाँ पे भी करेंगे। आवाम चाहती है कि इमरान खान साहब की नई टीम होनी चाहिए, तो आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही बता रहा हूँ मैं, आप अपने दोस्तों को, जानने वालों को, मेरा नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, मेरी ट्रांसपोर्ट हर जगह जा रही है, लोगों से रबते भी हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस सतह पे मैं जाता हूँ उन्हें मैं कहता हूँ दोस्त अहब आप इकट्ठे करो, वो 50-50, 100-100 लोग इकट्ठे होते हैं, फिर मैं उन्हें ब्रीफ करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप सारे लीडर हो, उठो निकलो घरों से बाहर और इलेक्शन की तैयारियाँ करो, अगला इलेक्शन हमने लड़ना है, हम इस इलेक्शन में ऐसे जाएंगे कि ये चोर उचक्के जो हैं इनको पीछे धकेलेंगे और हम आगे आएंगे, हमारे मुल्क को लूटने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे, हम खुद अपने आवाम की खिदमत अच्छी करेंगे। तो ये काज, इसी काज को लेकर खान साहब को मजबूत करने की खातिर ये सारा काम मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छी तरह से अच्छे अच्छे लोगों को आगे लाऊंगा, लेकिन खान साहब के अंदर भी एक बड़ी आला रूह है, वो रूह चोरों चक्कों को पहचानने लगती है तो उन्हें दूर करती है, जैसे अलीम खान हो गया, जैसे वो हो गया तरीन साहब हो गए, जैसे वो 20 MPA पिशावर में कैपी कैसे थे, इस तरह जो जो गलत लोग हैं उसके सामने आश्कार होते जा रहे हैं और वो उन्हें दूर करी जा रहे हैं। किसी भी चीज़ को आपने साफ करना है, पानी भी मैला हो जाए उसे आप साफ करने के लिए एक प्रोसेस से गुजारेंगे और आहिस्ते आहिस्ते एक दिन वो पानी फिर से साफ हो जाएगा फिल्टरों से गुजर के, लेकिन उसको 2-4-6 दफा छाननी से गुजरना होगा, 2-4-6 दफा छाननी से गुजरना होगा। इससे बेहतर है, आवाम भी यही चाहती है कि इमरान खान साहब की जो है अपनी अलग से टीम हो, और आई रियली विश के आप जैसे सियासतदान ही आए आगे और मुल्क के जो निज़ाम को बेहतर करें। सर बात करेंगे थोड़ी सी मरियम औरंगजेब के हवाले से, 2000 रुपये दे रही है भाई आवाम को, जिसकी 40,000 से तनख्वाह कम है, क्या समझते कितने परसेंट लोगों की तनख्वाह कम है 40,000 से, और 2000 रुपये जिस तरीके से कहा गया वो ठीक? अल्लाह अकबर, देखें ये जो लोग हैं, ये लोग हम खुद तो बैगर बन गए, ये आवाम को भी बैगर बनाने लगे हैं, फकीर बनाने लगे हैं। हम फकीर नहीं हैं, हमें इज्जत नफ्स हमारी को मजरू किया जा रहा है 2-2000 रुपया गरीबों को देकर। 2000 में क्या होता है, एक टाइम का खाना नहीं चल सकता। हाँ अगर आप देना चाहते हैं तो 50-50 हज़ार दें, लाख रुपया हर फैमिली को दें, क्या कमी है आपके पास? टैक्स तो देखे जो आपने गेम की है, हमें फ़ोन करो, मैसेज भेजो, मैसेज के 3 रुपए कटेंगे, उसके बाद वो 3-3 करोड़ों अरबों लोगों ने कर देने हैं। Exactly. 21 अरब लोग हैं हमारे पास, 21 अरब में से अगर 10 अरब भी कर देते हैं तो कितना पैसा आया? तो इन्होंने दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए थोड़े से लोगों को वही वाले पैसे जो इकट्ठे हुए हैं वो बांट देने हैं। तो इन्होंने अपने पास से तो कुछ ना दिया, तो ये बनाएंगे जी हमने, अच्छा ये क्या कहेंगे, ये करेंगे क्या? वो पैसा ये दबा लेंगे और वो पैसा जो है ना बाहर से IMF से मांगेंगे जी, हमने आवाम को 2-2000 रुपया दिए, और ये चोरी करने के तरीके हैं इनके। लैपटॉप स्कीम आ रही है सर, कह रहे हैं दोबारा से लैपटॉप दिए जाएंगे जो ज़हीन तलबा हैं, लगता है वो भी करप्शन सब स्टैंडर्ड लैपटॉप आए थे, वो जिन्होंने यूज किए उन्हें पता है कि 2-2, 4-4 महीने बाद उन लैपटॉपों का क्या हाल हुआ, और फिर उन्हें नए लैपटॉप लेने खरीदने पड़े लोगों को, उनके घरों में इतना बोझ पड़ा उन घरों पर। तो वो लैपटॉप स्कीम इनकी ये है कि अगर पीछे से 1,00,000 रुपए का लैपटॉप आ रहा है तो इन्होंने उसकी कीमत डालनी है जी 1,50,000 रुपए हमने खरीदा है, 50,000 तो पहले जेब में चले जाने, फिर जहाँ से खरीदने हैं वहाँ से उन्हें कहने डाउन करो हम बल्क में ले रहे हैं, तो उसमें से भी उन्होंने 70,000 का ले लेना है। तो इस तरह से ये गेम में बिजनेस है, ये जो सारी पार्टियाँ हैं ये बिजनेस मैन है। मैं कारोबार करता हूँ, मैं कारोबार करते हुए जिस शहर कहाँ कहाँ गया, जहाँ भी किसी पॉलिटिशियन से रबता हुआ वो लोग पैसा मांगते थे या हिस्सा मांगते थे कारोबार में। आपको मैं एक बात बताऊं, आज मैंने जब अपने पूरे ख़ानदान को PTI में चेंज किया था और अपने दोस्तों अहबाब को सारों को, एक ऐसा सिनेरियो हुआ था कि हैदर होती का दौर था KPK में,
तो वहाँ पे मेरा कमिश्नर काम नहीं कर रहा था, मुझे टर्मिनल मानसेरा में बनाना था। तो मैं जब उनके पास चार पांच दफ़ा गया, काम ना हुआ, तो मैं हैदर होती के पास गया। उसको मैंने बताया कि मैंने कहा जनाब मैं आपके सूबे में बहुत अच्छी सर्विस और बहुत अच्छी गाड़ियाँ भेजूँगा, आप मुझे वो करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, सेक्रेटरी को कह दिया, सेक्रेटरी साहब मुझे कमरे में ले गए, उनके साथ बैठे हुए बातें हुई, तो मुझे उठने ना दें। मैंने कहा शायद ये कुछ मांगता है, तो ऑफ द रिकॉर्ड बात करूंगा। तो मैंने उसे 5 लाख रुपया, जो हमारा एक बन गया हुआ है, मतलब हमारे मुल्क में चल रहा है, करप्शन बहुत आम हो चुकी है। तो फिर मैंने उसे पैसे चेक दिया, उसने कहा इसकी क्या जरूरत थी, देख कर जेब में डाल लिया। अच्छा, इसकी क्या जरूरत थी और जेब में डाल लिया। और उसके बाद कमिश्नर को कॉल कर दी। मैं अगले दिन, मैंने कहा फॉलो करना है आपने, मैं कमिश्नर के पास गया, तो कमिश्नर ने मुझे बड़ी चाय शाय पिलाई, बड़ी खिदमत की, और उसके बाद मुझे कहता है अलहदा कमरे में चले। अलहदा कमरे में गया हूँ, कहता है जनाब आपका काम तो हो जाएगा, हुक्म आ गया ऊपर से, हमारा क्या होगा। मैंने कहा जनाब मैं गुड लक कर सकता हूँ आपको, कितने दोगे। मैं 5 लाख देता हूँ। कहता नहीं 50 लूंगा। फिर करते हुए टर्मिनल बनाने के लिए 50 लाख रुपए, लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ, एक साइन साइन करने के लिए। फिर मैंने उसको तय हुआ 30 में। अगले दिन मैं 30 के बजाय 20 लेके अंदर गया। मैंने कहा जनाब ये मेरे पास यही पैसे और है नहीं। तो उसने कहा चलो ठीक है, डन किया, आए हुए पैसों को नहीं ठुकराया और ले लिए और मुझे साइन करके दिए। रिस्क को नहीं ठुकराया कहा जा सकता है। और मुझे वो उन्होंने दे दिया, लाइसेंस मिल गया, मैंने बिल्डिंग बनाई और अपना काम चलाना शुरू किया। कुछ अरसे बाद गवर्नमेंट चेंज हुई। इस दौरान केपीके में खान साहब की गवर्नमेंट आ गई। मैंने एबटाबाद में मुझे जगह मिली, मैंने वहाँ अप्लाई किया, कमिश्नर के पास गए, उनको मैंने कहा जी ऐसे ऐसे हमने करना है, तो राइवल्स होते हैं तो मुश्किल होती है, कोई स्टे या कोई मसला ना आ जाए तो ये मुझे चाहिए, जल्दी बना दें इसको। तो उन्होंने कहा जी आप अप्लाई करो, मेरिट पे होगा होगा काम। तो जब उन्होंने मेरे साथ ना कोई ऐसे बात की तो मैं समझा कि शायद मेरा काम, मैंने कहा मेरा शायद काम ना हो। मैंने उन्हें कहा कि मेरा मैनेजर कल आके आपको मिलेगा। मैंने अगले दिन मैनेजर को 10 लाख रुपया दिया और मैंने कहा ये डब्बा पैक करके जाके उनको दे दो। वो 10 लाख रुपया लेके गया, उनकी टेबल पे रखा। वो साहब ने कहा ये क्या है, उसने कहा खान साहब ने तोहफा भेजा आपको। उसने कहा क्या है इसमें, उसने कहा 10 लाख रुपये। तो उसने कहा नहीं नहीं उठा लो इसको, अगर आप अप्लाई करो मेरिट का काम होगा हो जाएगा, आप मुझे क्यों कुछ दे रहे हो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मुझे उसने फोन किया, मैंने कहा साहब से बात करो। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा सर आपके लिए टोकन ऑफ लव है, प्लीज मेहरबानी ये कर दें, और भी चाहिए तो मैं दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमें नहीं कुछ चाहिए, और वो पैसे वापस कर दिए लड़के को। मैंने कहा अप्लाई कर दो, अप्लाई हुआ, और उसके बाद 15-18 दिनों में, जो 3 महीने में प्रोसीजर था नॉर्मली, 18 दिनों बाद हमें लाइसेंस मिल गया, मेरिट के ऊपर काम हो गया। तो पीटीआई आगे बताऊं, नहीं पूरी कहानी सुन ले आप जब सुनने ही लगी है। तो उसके बाद वो भी मेरा हो गया काम, एबटाबाद वाला फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, बड़ी मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने पिशावर में एक जगह ढूंढी और मैंने वहाँ पे टर्मिनल बनाने के लिए अप्लाई किया। तो गाफ क्लब में मैं बैठा था, कुछ लोगों से बातें कर रहा था, शाम का टाइम था, तो सामने से कमिश्नर साहब, वही वाले, वो पुराने मनसेरा वाले टाइम वाले, हमारे ख्याल वाले, हमारा पहले ख्याल वाले जी, वो वाले चलते हुए वॉक करते हुए स्टिक हाथ में और आ रहे थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं खड़ा हुआ हूँ, चलो मैं हेलो हाय कर लूँ, तो वो भी उन्होंने देखा और रुक गए और हम बैठे फिर साइड पे बात करने लगे। तो मुझे उन्होंने कहा नियाजी किधर आया हो, मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे थोड़ा काम था तो आया हूँ। तो बताओ क्या काम है, हो जाएगा। मैंने कहा जी आपका तो पत्थर बड़ा भारी होता है, क्योंकि मिलते रहने की वजह से फ्रैंक हो गया था मैं उनसे। मैंने कहा जी आपका तो पत्थर बड़ा भारी होता है, तो आपको मैं काम क्या बताऊँ। तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, अब वो बात नहीं है, पहले और बात थी अब नहीं है। मैंने कहा जी पहले क्या था और अब क्या है, मुझे बताइए जरा, मुझे तजस्सुस हुआ। उन्होंने मुझे कहा जी पहले ऐसे था कि हमें और बहुत सारे भुगतान करने होते थे, लेन देन होते थे, अब जो है खान को हमने हलफ दिया है कि अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम में पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे और नाजायज़ तंग नहीं करेंगे। अब ये ऐसी बातें थीं जो सादा सी बातें थी कि लोगों को रिलीफ देना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे काम बताओ काम क्या है। मैंने कहा फलां अफसर से काम है। उन्होंने कहा जी ठीक है, कॉल की उसको, मेरा भाई आया इसका जरा याद देख लेना काम। अगले दिन मैं उसके पास गया, उसने बड़ी अच्छे तरीके से इज्जत की और मेरा काम लिया और 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो काम मेरा हो गया।
बगैर पैसों के, जबकि उस काम के लिए मैं करोड़ रुपया सेफ रखा था, देना पड़ेगा, लेकिन एक रुपया ना हुआ। मैं जब ये काम हुआ तो मैं वापस आया वहाँ पे एक SSP थे वो हमारे दोस्त सजाद साहब, उनको एजाज साहब, उनके साथ मेरी गपशप होती थी शाम को किसी वक्त, तो वो मुझे बताते थे कि यार पहले सपाही का तबादला भी MNA या MP करवा रहे होते थे, अब हम मेरी मर्जी पर, और मैंने बहुत कंट्रोल कर लिया चीज़ों पर, मेरिट पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा, उसकी बातें भी सुनी। मैं जब लाहौर वापस आया मैंने अपने प्यारों को बताया, सारे इकट्ठा किया, मैंने कहा यार देखो इतना चेंज है कि वो बनगाला में बैठा है बंदा और वहाँ पे उसकी हलफ की पासदारी हो रही है, तो यार इस बंदे के पीछे हमें चलना चाहिए, आओ चलो। जो लोग गुण गा रहे थे ना दूसरे लोगों के, उनको भी मैंने मोल्ड किया और पूरे तरीके से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है बेसिकली उन्होंने, मैंने उन्हें बताया ये आप बीती है मेरी, जो आप बीती होती है ना वो आप पर बीती होती है ना, इसलिए आपको पता होता है, एक एक लफ्ज मैंने आपको सुनाया जो आप बीती जानी आपने आजम खान नियाजी साहब की। नाजरीन, उन्होंने बताया कि किस तरीके से करप्शन जो है वो खत्म हुई PTI के दौरे हुकूमत में, मेरिट के ऊपर काम जो है शुरू हुआ, जब भी मेरिट पे काम होता है तो करप्शन जो है वो इवेंचुअली कम होना शुरू हो जाती है। आप हमें बताएं कि इमरान खान नियाजी साहब आपको क्यों पसंद हैं और मौजूदा हुकूमत जो है इसके हवाले से आपके क्या कमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।